ISLM का हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल, इसमें हम लोग जानते हैं कि IS के बराबर LM होता है या LM के बराबर IS होता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए LM की इक्वल IS कर देंगे। अब देखिए LM हमारा क्या 100 + 10 I, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 100 + 10 I इक्वल टू IS हमारा क्या 160 - 20 I। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 10 I + 20 I इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 160 में से 100 को माइनस कर देंगे। देखिए ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 30 I इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 60 I इक्वल टू 60/30। यहाँ पे क्या आया हमारा, देखिए 2 आया, क्योंकि 30 60 डिवाइडेड, तो I का वैल्यू हमारा कितना है 2 आया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, LM में या IS में। तो अगर आप पुट कर देंगे y इक्वल टू 160 - 20 a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 - 20, I का वैल्यू आया था 2, ठीक है, तो 160 - यहाँ पे हो जाएगा 40, मतलब कि 120। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर अगर हम बात करते हैं 120 and 2 आया हमारा I का वैल्यू। देखिए 120 and 2 हमारा आंसर है A।